डूड, गोहान ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का नेक्स्ट फ्यूचर है, क्योंकि जब से ड्रैगन बॉल के अंदर हमें गोहान की नई पावर, नई फॉर्म देखने को मिली है, तब से फैंस को रियलाइज हो चुका है कि गोहान का वो दिन दूर नहीं जब वो अपनी पावर से गोकू और वेजिटा को टक्कर देगा। एंड ऑब्वियसली अभी भी वो अपने बीस्ट फॉर्म में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो इन दोनों के आसपास अपनी पावर्स में स्टैंड ले सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम गोहान की कुछ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। हमें ड्रैगन बॉल कैनन सीरीज के अंदर गोहान की ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को नहीं मिली है, और ड्रैगन बॉल नॉन कैनन की बात करें तो उसके अंदर भी हमें गोहान की बहुत कम ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिली है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कैनन एंड नॉन कैनन को कंबाइन करके गोहान की कुछ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कौन कौन सी उसके पास पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस है जो हमें कैनन एंड नॉन कैनन दोनों के अंदर देखने को मिली है। वेल, ये वीडियो एक तरह से रैंकिंग भी होने वाली है, और हाँ ध्यान दीजिएगा, गोहान की ज्यादा फॉर्म्स नहीं है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैसे मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है गोहान की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 6th फॉर्म की, जो कि है सुपर सैयन गोहान। वेल, गोहान ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को द ग्रेट सैयन मैन सागा में अचीव किया था, और ये गोहान की सबसे पहली फॉर्म थी। ऑब्वियसली ये सभी सैयन्स की सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन होती है सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होकर अपनी पावर्स के बेस लेवल से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। यस, गोहान के केस में भी ऐसा ही है, गोहान भी अपने सुपर सैयन 1 में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के गोहान का हेयर कलर चेंज हो जाता है, उसके मसल्स भी ग्रो हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, हर चीज बढ़ जाती है। वैसे मैं सुपर सैयन 1 और 2 के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि यार हमें ड्रैगन बॉल के अंदर यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। हर सैयन के पास ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और हमें पता है कि ये इनकी पावर्स को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। सो अगर हम बात करें नंबर 5th इसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की, वो है सुपर सैयन 2। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सभी सैयन अचीव कर लेते हैं सुपर सैयन 1 और 2, और सुपर सैयन 2 सुपर सैयन का नेक्स्ट लेवल है, जो कि हमें वर्ल्ड टूर्नामेंट सागा में गोहान के पास देखने को मिला था, जब गोहान कबीतो के साथ बैटल कर रहा था, और सबसे पहली बार गोहान ड्रैगन बॉल जी में ट्रांसफॉर्म हुआ था, जब इसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को नया नया अचीव किया था, जब एंड्रॉइड 16 ने गोहान के सामने अपना दम तोड़ दिया था, सैल ने उसको मार दिया था, तो उसके बाद गोहान के अंदर का सारा एंगर बाहर निकल गया और उसने सुपर सैयन 2 को हाजिल कर लिया। और ऑब्वियसली सुपर सैयन 1 से ज्यादा ताकतवर है, तो इसमें गोहान की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा इनहेंस हो जाती है, और ज्यादा ताकतवर हो जाता है वो। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। सो नंबर 4 पे आती है अल्टीमेट गोहान। सो माजिन बू से बुरी तरह डिफीट होने के बाद गोहान काइज के वर्ल्ड में वापस जा चुका था, और उसने अपनी जी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दी थी, और उसने जब स्वॉर्ड को 2 हिस्सों में पूरी तरह तोड़ दिया और ओल्ड काइज को रिलीज कर दिया, और फिर गोहान ने 24 आवर्स के लिए एक रिचुअल किया, जिसमें उसने अपनी सारी पावर, सारी पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया। और जब ये रिचुअल कंप्लीट हो गया तो गोहान ने एक अलग ही लेवल की पावर को अचीव कर लिया था, जो कि सुपर सैयन 2 से बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर थी, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को अल्टीमेट गोहान के नाम से या फिर मिस्टिक गोहान के नाम से भी जाना जाने लगा था। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोहान इतना ज्यादा ताकतवर था कि सुपर बू भी उसके सामने कुछ नहीं था, वो इजीली उसको ओवरपावर कर सकता था। सो अभी बात करें 3rd सबसे पावरफुल गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि है सुपर सैयन 4। ये एक नॉन कैनन गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि हमें ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर देखने को मिली है। ये एक नॉन कैनन ड्रैगन बॉल स्टोरी है, और सुपर सैयन 4 को आप इजीली ऐसे समझ सकते हो कि ये सुपर सैयन वर्जन है ग्रेट एप का। लाइक जो उनका ग्रेट एप फॉर्म रहता है ना, एकदम ऐसा भालू सा जो देखने को मिलता है, यस, उसका ये सुपर सैयन फॉर्म है, और इसमें सैयन काफी ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिलते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ गोहान एंड जेनो गोहान ही करंटली वो सैयन हाइब्रिड्स है जिन्होंने अचीव किया हुआ है। तो अभी बात करते हैं गोहान की 2nd सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो की है बीस्ट गोहान। हाल ही की मूवी ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरोज के अंदर हमें गोहान की नई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली थी, और बीस्ट गोहान को ही फाइनल गोहान के नाम से भी जाना जाता है। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो सिर्फ गोहान के लिए बनी है। लाइक इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोहान की पावर्स एकदम टॉप लेवल पर जा चुकी होती है। इसमें गोहान के हेयर्स एकदम व्हाइट स्पाइक्स की तरह हो जाते हैं, उसकी आईज का कलर रेड हो चुका होता है, उसके आसपास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओरा क्रिएट हो चुका होता है, और इसमें गोहान इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने सेलमैक्स को सिर्फ अपने एक फिंगर अटैक से ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था, और बीस्ट गोहान ने सेलमैक्स के लगभग अटैक्स को अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया था। गोहान ने जब अपने
सारे एंगर को, सारे पोटेंशियल को बाहर निकाल दिया तो वो बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। और बीस्ट गोहान ही गोहान की वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें इसको गोकू और वेजिटा के लेवल का बताया जाता है। वेल, ये चीज फ्यूचर में देखने को मिलेगी कि हाँ वो एक्चुअल में MUI और अल्ट्रा ईगो के लेवल का है या नहीं, बट स्टिल अभी वो हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल देखने को मिल रहा है। तो अभी बात करते हैं गोहान की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि हमें नॉन कैनन के अंदर देखने को मिली है, वो है ओमनी गोहान। तो सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोहान ने ओमनी पावर को अचीव कर लिया, और ओमनी पावर को अचीव करने के बाद गोहान की पावर्स की कोई लिमिट नहीं रही थी। गोहान ने 13 मल्टीवर्सेस के गॉड्स को डिफीट करके 13 मल्टीवर्सेस को अपने अंडर कर लिया था। इन 13 मल्टीवर्सेस में गोहान ही रूल करता था। गोहान से ज्यादा ताकतवर इन मल्टीवर्सेस के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन गोहान अभी भी नहीं रुका था, उसने अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा, अपनी पावर्स को सिर्फ बढ़ाता ही रहा। और एक समय ऐसा आ चुका था जब गोहान ओमनीपोटेंट पावर को भी अचीव कर चुका था, और इसीलिए ओमनी गोहान को ओमनीपोटेंट गोहान भी कहा जाता है। लाइक ओमनीपोटेंट गोहान के ऊपर सिर्फ गोकू और वेजिटा ही बचे थे, बाकी सभी गॉड्स को गोहान ने डिफीट कर दिया था। गोहान के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टेमिना आ चुका था। वो चीजों को क्रिएट करने की पावर रखता था, वो रियलिटी को बदलने की ताकत रखता था, एंड इसीलिए इसको ड्रैगन बॉल नॉन कैनन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहते हैं। तो यस, यही थी गोहान की कुछ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको सबसे बेस्ट गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।